स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए. ऐश्वर्या राय बच्चन, बी. दीपिका पादुकोण, सी. करीना कपूर खान, डी. प्रियंका चोपड़ा। आंसर सी. करीना कपूर खान। एक्सप्लेनेशन: करीना कपूर खान को मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता सहित बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले यूनिसेफ भारत के मिशन का समर्थन करेगी। अगला प्रश्न। नौवा ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कब और कहां होने वाला है? ए. भारत में 5 से 22 सितंबर, बी. बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर, सी. इंग्लैंड में 3 से 20 अक्टूबर तक, डी. ऑस्ट्रेलिया में 1 से 18 नवंबर तक। आंसर बी. बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन: नौवा ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाला है। कार्यक्रम की घोषणा ढाका में एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें ICC के अधिकारियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय और बांग्लादेश महिला टीमों के कप्तानों ने भाग लिया। अगला प्रश्न। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है, इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है? ए. एक बार, बी. दो बार, सी. तीन बार, डी. चार बार। आंसर बी. दो बार। एक्सप्लेनेशन: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ बुच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। अगला प्रश्न। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? A20, B21, C22, D23। आंसर D23। एक्सप्लेनेशन: निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IVP के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स IFES के सदस्य भी शामिल है। इसका उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणालियों से परिचित कराना है। अगला प्रश्न। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ए. भारत, बी. कनाडा, सी. ब्राजील, डी. ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए. भारत। एक्सप्लेनेशन: भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोची, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा। 46वीं ATCM और 26वीं CEP बैठकों में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार पार्टिस्ट सदस्य देश और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं।